HyperOS के लिए अगर आपको एक नया प्रीमियम थीम चाहिए जो कि अप्लाई करने के बाद आपका फ़ोन का लुक और UI को चेंज कर सकता है, तो आपको ये थीम ट्राई करना चाहिए। अप्लाई करने के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको थीम और ये वीडियो पसंद आता तो जाओ पहले इस वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो। चलो स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो ये थीम अप्लाई करने के बाद आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डिफरेंट टाइप का आपको आइकन्स देखने को मिल जाएगा। आइकन्स काफ़ी अच्छा लुक के साथ है, विजेट भी चेंज हो जाता है और आपको वॉलपेपर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। होम स्क्रीन और सिस्टम ऐप्स या टूल्स का फोल्डर में भी आपको आइकन्स चेंज होता है वो देखने को मिल जाएगा। आइकन पैक आपका काफ़ी प्रीमियम है और आइकन पैक में आपको एक भी आइकन्स मिसिंग नहीं देखने को मिलता है। कंट्रोल सेंटर भी चेंज हो जाएगा और ये थीम आपका बस डार्क मूड ही सपोर्ट करता है। तो ये थीम अप्लाई करने से पहले डार्क मूड को अनेबल कर लो और फिर ये थीम अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक देखने को मिलेगा। देख सकते हैं होम स्क्रीन में भी आपको काफ़ी प्रीमियम लुक देखने को मिल रहा है। आइकन्स काफ़ी अच्छा है, वॉलपेपर भी अच्छा है, बजट भी चेंज हो जाता है। और अगर आप जाएंगे सर सेटिंग्स का UI में तो डार्क मूड के साथ आपको सभी टॉगल्स चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा और पूरा UI चेंज हो जाता है, ऐसा वो कुछ लुक देखने को मिलता है। अगर आप चाहिए बाकी जैसे इसका अबाउट फोन में तो इसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। डिटेल इन्फो और स्पेसिफिकेशन में भी आपको देखने को मिल जाता है आपका चेंजेस और पूरा UI चेंज हो जाता है। और आपका फिर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको UI देखने को मिलता है। बट हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपका लाइट मोड सपोर्ट नहीं करता है। फिंगरप्रिंट, फेस डाटा एंड स्क्रीन लॉक में भी आपको देख सकते हैं पूरा UI चेंज हो जाएगा। और अगर आप चाहिए बाकी जैसे कि इसका एडिशनल सेटिंग्स पे, तो एडिशनल सेटिंग्स पे भी आपको चेंजेस जो है देखने को मिलता है। तो अगर आपको एक प्रीमियम थीम चाहिए था जो कि अप्लाई करने के बाद पूरा फ़ोन का लुक चेंज कर सकता, तो आपको ये थीम एक बार ट्राई करना चाहिए। साउंड एंड वाइब्रेशन में भी आप देख सकते हैं पूरा UI और सभी जो है मतलब टॉगल्स चेंज हो जाता है। डायलर मैसेजेस ऐप अगर आपका डिवाइस में HyperOS का है तो वो चेंज हो जाएगा। गूगल डायलर मैसेजेस ऐप चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम स्लाइडर भी इस थीम में चेंज हो जाता है, जो काफ़ी अच्छा बात है। कंट्रोल सेंटर प्रॉपरली होता नहीं है बट वॉल्यूम स्लाइडर चेंज हो जाता है। और अगर आप जाएगा इसका लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन में भी आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। देखो उतना प्रीमियम नहीं बट हाँ, चेंजेस तो देखने को मिलता है, तो ट्राई कर सकते हैं लॉक स्क्रीन भी। बट ओवरऑल थीम काफ़ी अच्छा है, आपको ट्राई करना चाहिए। मेरे को पर्सनली लॉक स्क्रीन थोड़ा सिंपल लगा, बाकी सब कुछ काफ़ी अच्छा लुक के साथ देखने को मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो बस आपको ये थीम को जाके थीम स्टोर से डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको बस जाना होगा आपका डिवाइस का थीम स्टोर में, चाहिए थीम स्टोर में, और सर्च कीजिए डार्क डेथ नोट। जैसे आप सर्च कीजिएगा, देख लीजिए आप स्पेलिंग प्रॉपरली वैसे आपको टाइप करना है जैसे स्पेलिंग है, तो ही जाकर आपको ये थीम मिलेगा, नहीं तो आपको ये थीम नहीं मिलेगा। तो सेम टू सेम टाइप करो डार्क डेथ नोट और डाउनलोड करो। बताओ कैसा लगा आपको ये थीम डार्क डेथ नोट। आई होप आपको ये थीम और ये वीडियो अभी तक पसंद आया होगा। देखो पसंद आया तो टाइम लगता है थीम्स खोजने में, तो जाओ थोड़ा सा जो लाइक मारो, वीडियो को शेयर करो, कुछ पूछना नीचे कमेंट करो, सजेस्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।